पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के उप महाप्रबंधक अरुण कुमार शर्मा ने देर रात कोडरमा स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उप महाप्रबंधक अरुण कुमार शर्मा ने अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ पूरे कोडरमा स्टेशन का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उप महाप्रबंधक अरुण कुमार ने कहा कि कोडरमा बरकाकाना रेलखंड पर बेहतर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में संभावित कोहरे से बचाव के लिए ट्रेनों में सेफ्टी डिवाइस लगाई जा रही हैं। फॉग सेफ डिवाइस GPS आधारित एक उपकरण है जो लोको पायलट को आगे लाने वाले सिग्नल की चेतावनी देता है, जिसे ट्रेन को नियंत्रण किया जाता है। कोहरा तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कोहरे में हम लोगों ने सुरक्षित चलाने के लिए एक फॉग सेफ डिवाइस होती है जो हर इंजन में लगा रहे हैं, और उसका पर्पज ये होता है कि हमने सारे सिग्नल का उसमें GPS लोकेशन डाल दिया है, तो सिग्नल आने के पहले वो ड्राइवर को वार्निंग दे देता है कि सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल को दिख नहीं रहा है, सिग्नल आ रहा है तो वो सतर्क हो जाता है और वहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हुए ट्रेन को चलाता है। तो फॉग के दौरान पूरी स्पीड ट्रेन नहीं चल पाएगी, लेकिन हम सेफ्टी को ध्यान रखते हुए फॉग सेफ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फॉगमैन भी तैनात किए जा रहे हैं जो कोहरे के दौरान रेल लाइन पर सिग्नल की स्थिति की निगरानी करेंगे। रेल फ्रैक्चर से बचाव और समय पर इसकी पहचान हेतु उच्च अधिकारियों की निगरानी में रेल कर्मी निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो ये पूरा सेक्शन है बरकाकाना से लेके कोडरमा तक, उसमें भी बहुत इनपुट दिए गए हैं डिवीजन की तरफ से, लेकिन कुछ और कमियां हैं जो कि हम पूरा करेंगे। काम किस तरह का हो रहा है सर? काम अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। जीएम साहब का दौरा प्रस्तावित है? हाँ, जीएम साहब का दौरा 24 तारीख को प्रस्तावित है, और उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि डिवीजन उस पर खड़ा होगा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड का जायजा लेने के दौरान उप महाप्रबंधक के साथ धनबाद रेल मंडल के DRM समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।